welcome back to my channel in this video we will talk about the brokers and dealers um, let's see who are the brokers and who are dealers um, broker is a pure middleman between borrowers and the lender and earn profit broker is a middleman between the borrower borrower means a person who wants something from the other like ए पर्सन इज़ अ बॉर्वर ठीक है इसको पैसों की पैसे की ज़रूरत है ठीक है इसको चाहिए और बी जो है ना उसके पास पैसे हैं तो इसके पास कुछ भी नहीं है तो ए पर्सन सोचेगा कि मुझे पैसे चाहिए मैं कहाँ से लूँ वो किसी इंसान को नहीं जानता वो एक बंदे को जानता है जो मिडल मैन है वो कहता तो हैं मेरे पास तो पैसे नहीं हैं लेकिन मैं किसी एक बंदे को जानता हूँ इसका नाम सी रख देते हैं कि उसके पास पैसे हैं ठीक है थीके? वो आपका पैसे देगा तो ये जो होगा ना बार बार वो ब्रोकर को बोलेगा और ब्रोकर लैंडर के पास जाएगा और लैंडर से फिर इसको पैसे लेके देगा मतलब इन दोनों की के ट्रांजैक्शन के दरमियान में एक और पर्सन है एक मिडल मैन है जो के ब्रोकर होता है तो ब्रोकर का काम क्या होता है अगर इस, इसके पास टेन रुपीज़ हैं तो इसको ना इनकी ज़रूरत है ठीक है मतलब तो ये क्या करेगा ये टेन लेगा और एक रुपये इसका कमीशन होगा नानी इसको मिल जाएंगे इस तरह से बेसिकली ये वर्किंग हो रही होती है और ये अपना कमीशन अर्न करना होता है ब्रोकर का बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बार एक मिडल मैन होता है जो ट्रांजेक्शन्स करवा रहा होता है बिटवीन टू परसनस ठीक है और इसके अलावा तो ये तो सिंपल सा बिल्कुल ठीक है इसको पैसे गुजरता उसने लेकिन डिफरेंट सिक्योरिटीज़ अगर कोई इंसान ने उसने सिक्योरिटीज़ ख़रीदनी है तो वो सिक्योरिटीज़ कहाँ से खरीदेगा वो फिर वो ब्रोकर के पास जाएगा अगर उसने स्टॉक्स ख़रीदने हैं तो स्टॉक्स के लिए वो ब्रोकर के पास जाएगा तो ब्रोकर इस तरह की जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक पर्सन को तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉ ब्रोकर और उसकी कौन कौन से सर्विसेज होती हैं वो किस किस्म के सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ब्रोकरेज का मतलब क्या रोल है और एक इन्वेस्टमेंट बैंक किस तरह से ब्रोकर का, का काम करता है और कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीलर की डीलर आदूज हु परचेज सिक्योरिटीज़ एंड वन गेट हायर प्राइज एंड सेल अच्छा जी ये जो होता है ना ब्रोकर ये कोई सिक्योरिटी परचेज नहीं करता बस बल, बल्कि जिसको ज़रूरत होती है उसको लिंक करवाता है अदर पर्सन के पास इसके पास पैसे होते हैं लेकिन डीलर वो बंदा होता है जिससे खुद खरीद के रखी होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो बी के पास जाएगा मीन्स बी डीलर है तो वो डीलर के पास जाएगा और डीलर इसको दे देगा और प्रॉफिट अर्न कर लेगा इस तरह से ठीक है तो डीलर क्या करते हैं कि आर डूज़ हु परचेज सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटीज़ हमारे पास डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ जा आ जा जाती हैं जैसे स्टॉक भी एक सिक्योरिटी है उसने कमर्शियल पेपर को खरीदा हुआ है करेंसी सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो आजकल डीलर खरीद के रखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज़ वो खरीद के रखते हैं Uh, और जब उनकी प्राइसेस uh, बढ़ती हैं ठीक है जब करेंसी की प्राइस बढ़ती है दैन वो उसको सेल कर देते हैं और प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं जैसे अब डॉलर किसी ने वन एटी का अगर ख़रीद के रखा हुआ था तो अब टू फोर्टी पर उसकी प्राइस चली गई हुई है डॉलर की तो रुपीस के ऊपर वन डॉलर वन डॉलर ठीक है वन डॉलर इतने का हो गया हुआ तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ठीक है तो उसको सिक्सटी रुपीज़ का तो प्रॉफिट हो गया इस तरह से डीलर ये इस तरह के काम करते हैं कि वो सिक्योरिटीज़ ख़रीद के रखते हैं उसको फिर बेच देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब उनको लगता है या लोग उनसे ख़रीदने आते हैं जब प्राइस बढ़ती हैं तो वो ख़रीदते हैं और डीलर्स ने कोई छोटी छोटी सी अमाउंट में करेंसीज नहीं खरीदी होती बल्कि बहुत बिलियंस में उनके पास करेंसीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज़ होती हैं तो इस तरह से ये काम करते हैं कि इन्होंने स्टॉक्स भी खरीद के रखे होते हैं करेंसीज भी ख़रीद के रखी होती हैं कि जब उनके प्राइसेस हाई होंगे वो लो प्राइस पे खरीदते हैं ठीक है क्योंकि उनको मार्केट कंडीशन का आइडिया होता है डीलर्स को क्योंकि इनका काम यही है तो जब प्राइसेस लो पर जाती हैं तब ये ख़रीद लेते हैं और जब प्राइजेस बढ़ती हैं तब ये बेच देते हैं और प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं उस प्राइस डिफ्रेंसीशन से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं अपना और इसी तरह से इनका वर्किंग चल जा जबकि ब्रोकर क्या होते हैं वो कमीशन अर्न करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफ़िक बंदे को और उससे कमीशन अर्न कर लेते हैं इट आल्सो कॉल्ड मार्केट मेकर अच्छा जी जो डीलर होता है ना इसको मार्केट मेकर भी बोला जाता है मार्केट मेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ये करेंसीज की एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये करेंसीज़ की ना इन इनके पास बल्क में करेंसीज होती हैं बहुत ज़्यादा तो अगर मार्केट के अंदर हम लोगों ने अब डॉलर की जो होती है वो वैल्यू कम करनी है ठीक है डॉलर की हम लोगों ने वैल्यू को कम करना है तो डीलर क्या करेंगे डीलर उनके पास जितने भी डॉलर्स होंगे ना वो मार्केट में उसको सेल कर देंगे ठीक है उनके पास जितने भी डॉलर्स हैं ना वो मार्केट के अंदर सेल कर देंगे ठीक है और अपनी करेंसी खरीद लेंगे मतलब अपनी करेंसी के बदले में वो डॉलर सेल कर देंगे इस तरह से डॉलर मार्केट में सर्कुलेट कर जाएगा और डॉलर की जो वैल्यू होगी वो कम होगी ऑब्वियसली आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता है तो जिस चीज़ की इस सप्लाई ज़्यादा होती है ठीक है तो उसकी प्राइस भी कम होती है ठीक है इसी तरह से जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है तो जब इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी डिमांड डिमांड तो इसकी सिचुएशन पर डिपेंड करती है ना समाइम सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी में भी उसकी इतनी डिमांड ना हो ठीक है तो उसकी प्राइस कम हो जाएंगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी ना वो कम हो जाएगी सप्लाई ज़्यादा उसके प्राइस कम हो जाएगी ठीक है मतलब जहाँ पे टू फोटी पर एक डॉलर मिल रहा है तो वो वन टू हंड्रेड पे आ सकता है ठीक है मतलब वैल्यू कम हो जाएगी इस तरह से इनको मार्केट मेकर भी बोला जाता है अगर इसी तरह से इन्होंने किसी और करेंसी की सप्लाई को चेंज करना है ठीक है uh, सप्लाई को uh, करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करना है अगर डॉलर की ही वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे तो ये क्या करेंगे कि डॉलर को खरीद लेंगे तो ये डॉलर को खरीद लेंगे मार्केट में से जितने भी डॉलर्स होंगे ये पिक कर लेंगे और अपनी करेंसी मार्केट में उसकी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी लेकिन डॉलर की कम हो जाएगी इस वजह से इनको मार्केट मेकर भी बोला जाता है तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ब्रोकर और डीलर का ठीक है ब्रोकर मिडल मैन के तौर पर काम करता है और लिंक करवाता है आ, दो पर्सनस को ठीक है लेकिन डीलर डीलर इंडिविजुअल एक प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है ये कमीशन लेता है लेकिन वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है ख़ुद सिक्योरिटीज़ ख़रीदता है अब उसको अपने पास रखता है ना उसको सेल कर देता है जब उसकी प्राइजेस बढ़ती हैं तो इस वजह से ये प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट था डिफरेंस था इन दोनों में ब्रोकर और डीलर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी सर्विसेज को देखेंगे कि किस तरह से वर्क करती हैं और हमारा जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ना और इसमें जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं हमारे तो वो सम टाइम एज अ ब्रोकर भी काम कर रहे होते हैं uh, मतलब ब्रोकर और डीलर साथ साथ काम कर रहे होते हैं अगर आप तो चाहें तो उनसे ब्रोकरेज की सर्विसेज भी ले सकते हैं और चाहें तो डीलर के तौर पर भी इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों ने स्टॉक ख़रीदना है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंक को कहेंगे ठीक है तो वो आपके भी हाँ पे स्टॉक खरीद देगा जैसे हम लोगों ने आई की बात करी थी कि कंपनी को आई करवाना है तो वह उस टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रोकर के तौर पे काम करेगा क्योंकि वो अपना कमीशन चार्ज करेगा लेकिन वो डीलर के तौर पे भी काम कर सकता है उसके बस बहुत ज़्यादा करेंसी है ठीक है इनको करेंसी की ज़रूरत है किसी कंपनी को तो वो इनसे करेंसी खरीद सकता है ठीक है इस तरह से वो अपना कमीशन भी वो अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो लो प्राइस पर करेंसी खरीद ली है तो वो फिर जिसको ज़रूरत होगी उसको हाई प्राइस पे बेच भी देंगे इस तरह से इन्वेस्टमेंट बैंक्स ब्रोकरेज के तौर पे भी काम करता है डीलर के तोर भी तौर पे काम करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की कि सर्विसेज़ उन्हें लेना चाह रहे हैं सो दिस इज़ द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ब्रोकर एंड डीलर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी फ़र्दर देखेंगे कि क्या क्या, -क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई वो किन में बेसिक डिफरेंस था क्या और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और अगर कुछ रह गया तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो